थिएटर में थिएटर टेस्टिंग करने आया ताकि अपने घर में थिएटर लगवा सके। ऐसा होम थिएटर सिस्टम घर में लगने वाला है तो उसकी टेस्टिंग के लिए आया, अब पता चल गया। गुड मॉर्निंग गाइस, देख रहे हो कहाँ है, हम वॉक करने आए हैं और आज हाल देखो पार्क का, इतनी धुंध पड़ी हुई है, इतनी धुंध पड़ी हुई है और आज मैं ना कैप भी नहीं पहन के आई। गुड मॉर्निंग इंडिया। दिखाऊं पूरा पार्क एकदम सुनसान पड़ा है क्योंकि इतनी ज्यादा फॉग है, कुछ दिख भी नहीं रहा। जब हम घर से नीचे उतरे ना तो मल्लन साहब कह रहे सोसाइटी में इतनी धुंध है, छोड़ परे क्या जाना है, नजर नहीं आएगा, छोड़ परे। मैंने कहा नहीं, अब नीचे उतर गए तो अब तो चलेंगे ही। सब लोग बताओ इतनी डेडिकेशन है आप लोगों में, हेल्थ कॉन्शियस हो जितने हम में, बहुत डेडिकेशन है। करेंगे, हम करेंगे, वॉक करेंगे, भागेंगे, सब करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे और घर जाके फिर छोले भटूरे भी खा लेंगे। वैसे सही बताऊं आज सैर आने का मकसद क्या है हमारा, सब्जी लेनी थी क्योंकि घर पे सब्जी नहीं है, सब्जी लेनी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो। 20 minutes later. आज हम तैयार हो गए हैं, आज हम जा रहे हैं अपने नए घर के लिए होम थिएटर देखने और मैं हमेशा की तरह एवर रेडी, मैं तो हमेशा ही तैयार रहती हूँ और इधर ये भी रेडी है और जो सबसे ज्यादा लेट होता है बोलने भी नहीं देता मेरे को, वो भी रेडी है। इसको देखो गाइस, मेरे को देखो गाइस, इसको देखो, सुबह सुबह ब्यूटी उठी है। एक्चुअली ये ना अपना मुंह दिखा रहा है कि आजकल मेरा फेस बहुत चमक रहा है। पापा बेचारे शरीफ बच्चे की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं, इतना शरीफ बच्चा भगवान सबके घर में दे, मेरे पीछे ही पड़ा रहता है जब देखो, इसको और कोई काम नहीं है। कैमरा ऑन होते खुशी कैसे आ गई चेहरे पे, ये देखो खाना खा के आप ब्लश कर दिया। वो देखो पापा कोशिश कर रहे हैं, नोनू फोन उठाया बट वो फोन नहीं उठा रहा, ये देखो मम्मी हमारी गुस्से में है, पापा पे ताने मारी जा रही है, अभी भी ताना मारा मैं कह रही हूँ कि उनकी बात, जिनकी बात वो मानता है वो नहीं फोन करते उसको, मेरे को कहते हैं तू जा उसको बुला। वैसे बोलो जैसे पहले बोल रहे थे कैमरा ऑन होने से पहले, पापा आपकी गलती है सब। क्या मेरी गलती ये बता दे, 35 साल पहले जो आपने मम्मी से शादी करी वो है नहीं, 35 साल होने वाले हैं, 34 हो चुके हैं, 35 साल। ये लड़का खा पी के ब्रश कर रहा है, देखो ये देखो अब ब्रश कर रहा है ये। तो गाइस ये देखो, ये मम्मी लड़ रही है, पापा बेचारे वहां पर हाथ जोड़ के खड़े कि चाय बना दो, चाय बना दो, और मम्मी पापा के लिए चाय नहीं बना रही। ये मैंने रात को रोटी बना के रखी थी और ये मेरे को कह रहे हैं मैं 5 मिनट में आया, छत पे जा रहा हूँ और गायब हो गए रात के 12 बजे तक गायब। मैंने कहा रोटी खा लो, दुर्दशा इंसान की शादी के बाद, ओए होए होए होए, शुरू से ही ऐसे हैं ये। मैंने देख लिया गाइस अब कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, शादी के बाद ऐसी पति हाथ जोड़ के खड़ा होता है, बीवी खाना नहीं देती, देख रहे हो। ये सिर्फ लोग कैमरा में ही करते हैं, कैमरा में हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, रियलिटी में कोई नहीं खड़ा होता। और गाइस ये हमारे घर का सबसे बड़ा छपरी नल्ला बेरोजगार आ चुका है, ये लड़का जो कहता है मैं तो हमेशा सबसे पहले तैयार होता हूँ, 3 बज गए अभी तक तैयार नहीं है और हम सारे 12 बजे से रेडी बैठे हैं। काम कर रहा था, ये काम कर रहा था, ये सब वेट कर रहे हैं, ये सब से चालू गया था, लंच हो गया, सही बात है। मैं टाइम से एक बार नहीं बोला नोनू को कि चल तू तैयार हो जा, अब्बू के पीछे पड़े हैं, वो बेचारा नीचे उतर गया और ये अभी भी यहाँ पे फ्रिज में घुसा हुआ है। पापा मुझे नहीं डांटते, एक बार नहीं तेरे को बोला कि तैयार हो जा, तैयार हो जा, हम लेट हो गए। मैंने कहा मेरे को बोली जा रहे हो, उसको बोली जा रहे हो, जो लेट कर रहे हो उसको बोलो सॉरी, नहीं चुप, अब नीचे उतर, मेरे पे चलता है बस। नींबू पानी कहा था वो नहीं लिया कि मेरा पेट खिंच गया एकदम, ये लो इनको जाते टाइम नींबू पानी पीना, अभी पहले चाय पी है, पेट खिंच गया, अरे बहुत अंदर वो हो रहा है, पेट में दर्द हो रही है तो समझ आता है पेट खिंच गया है। देखो बैठ तो गया गाड़ी में, अब कह रहा है सीयर पार्क करने क्या जा रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं, तो पता ही नहीं, ऐसे ही बस सो के उठ के आके बैठ गया हूँ गाड़ी में।
ना नहाया धोया, सर्दी इतनी है ऐसे ही बिठा दिया, कह रहे चलो चले सीआर पार्क। अब बाकी सारे 12 बजे से तैयार बैठे थे, तूने 3 बजा दिए, इसलिए इसलिए तेरे को ऐसे बिठा दिया। लॉन्ग ड्राइव वेरी इंपॉर्टेंट। आई लाइक इट, आई लाइक इट। बहुत टाइम से आपके पीले पीले दांत जिसमें खाना अटका हुआ है, इसीलिए कहते हैं खाना खाने के बाद कुल्ला कर लेना चाहिए। नहीं ये ब्रश करके आया है, ब्रश तो खाने से पहले होता है ना। हाँ तो ये बाद में करता है ना, दोनों करता हूँ तो फिर भी खाना अटका हुआ है। पहुँच गए भाई, पहुँच गए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, करने का आया मेरे को अभी तक नहीं पता है, बस ऐसे ही आ गए हैं। आप बताइए। मैं आ गया हूँ थिएटर में, अपने थिएटर में थिएटर टेस्टिंग करने आया ताकि अपने घर में थिएटर लगवा सके। थैंक्स। वो अपने काम में बिजी हैं। अरे भाई तेरा ही काम कर रहा हूँ, उसे भेज रहा हूँ। अच्छी है ऐसा होम थिएटर सिस्टम घर में लगने वाला है तो उसकी टेस्टिंग के लिए आया। अब पता चल गया मेरे को क्यों आए हैं। रिक्लाइनर भी लगे हुए हैं, ऐसी ही रिक्लाइनर होंगी। हम एक बार टेस्ट कर आए हुए हैं, हमें करवाने लाए हो, अब तुम्हें एक्सपीरियंस करवाने लाए। तो हम एक्सपीरियंस करने आए होम थिएटर का, जो हम अपने घर में लगवाएंगे। वाओ, कर लिया टेस्ट, मजा आया। वेरी गुड, मजा आया। और ये मजा मैं अपने घर में भी रखना चाहते हैं हम, ये वाला मजा। तो या हमने अभी जो है टेस्टिंग करी है यहाँ पे होम थिएटर सिस्टम की, एंड अभी डिसाइड कर रहे हैं पापा कि कौन सा लगवाना है कौन सा नहीं। चाय चाय नहीं छूटनी चाहिए कहीं भी। लो भाई, है ना नोनू, नोनू खुद कॉफी पी चुका है ऑलरेडी, 6-7 पी के आया एक और चाय। और आते हुए पता क्या, मूवी का मजा ले रहे हैं चाय पीते पीते। नहीं आते हुए क्या कह रहे थे, पेट में खिंच पड़ रही है चाय पी पी के, है ना। हो गया भाई, होम थिएटर लग जाएगा तो पूरे दिन बैठ के वहाँ पे होम थिएटर वहीं बैठा रहूंगा पूरे दिन भाई, रिक्लाइनर वाली सीट पे लेटा रहूंगा, वहीं पे काम करूंगा, वहीं खाऊंगा, वहीं पे रूम से वहीं सो जाऊंगा। तो थिएटर पे जाएगा, अरे रूम जाए भाड़ में भाई, पूरा दिन होम थिएटर में बैठ के सारी सीरीज सारी मूवीज सब देख डालूंगा, ऐसा फील आएगा। अभी यहाँ ट्रायल लेने आए तो ऐसी फील आ गई, अब घर पे जब लग जाएगा। तो दिन में गए थे और रात हो गई है, और क्या भी? क्या पॉइंट मारा, दिन में गए थे और रात हो गई है। आपने क्या सोचा था, दिन में जाएंगे और शाम को आ जाएंगे? और क्या, मैंने तो यही सोचा था, पर दिल्ली का ट्रैफिक ही इतना ज्यादा है। ट्रैफिक मैन, मतलब आई एम सो पिस्ड बाय द ट्रैफिक मैन। हाँ वहाँ हमने काम कितना करा, सिर्फ 1 घंटे का काम था, और 1 घंटे का काम था और जाने आने में ही 4 घंटे लग गए। और मम्मी को 4 जगह तो सुसु रुक करने रुकना पड़ता है। अच्छा तूने कहाँ रोका था बताई जरा मेरे को। मैंने एक जगह, नमस्ते करो भाई, व्लॉग बना रहे हैं। नमस्ते आंटी, नमस्ते नमस्ते। अपने आप बुला लिया मैंने, ये हमारी प्यारी सी आंटी से मिलवाओ सबको। ये हमारी आंटी हैं। आंटी नमस्ते। प्यारी प्यारी आंटी जी। मम्मी जी व्लॉग बनाते बनाते आंटी जी भूल गई। हो जाता है। और ये देखो, इस लड़के का खाना भी मैं साथ लेके गई थी, you know, क्योंकि ये आजकल बहुत मतलब सीरियस वाली डाइटिंग पे है। कहीं एब्स ना आ जाए, प्रे करो गाइस, छोले भटूरे खा लो, नहीं तो मेरी क्यूटनेस खत्म हो जाएगी। और इसको अब बहुत जल्दी हो रही है क्योंकि चल ले जल्दी, इसने जाना है जिम, ट्रेनर वेट कर रहा है भाई 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 भाओ। और एक एक लड़का हमारा गायब हो गया, वो रास्ते में ही उतर गया, पार्टी बॉय है वो। इतना घूमता है वो लड़का, फिर कहता है मैं कहाँ जाता हूँ, मैं तो सारा दिन काम करता हूँ। इस लड़के को ये नहीं पता कि घर की चाबी कौन सी है, किस चाबी से ताला खुलता है। अभी भूख इतनी ज्यादा लग रही है ना, क्या ही बताऊं। आज मैं खाना भी नहीं बना के गई, मुझे क्या पता था इतनी देर हो जाएगी। अब ये तो जिम जा रहा है, वो वहीं रास्ते में ही उतर गया, अब अपने लिए बनाते हैं खाना। बहुत ज्यादा भूख लग रही है, ये डाइटिंग पे है ना, तो इसने रास्ते में कुछ खिलाया भी नहीं, तो मैंने आके कपड़े भी नहीं चेंज करे, फटाफट किचन में आ गई और मैंने कहा पहले सूप बनाते हैं, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा ठंड है और ठंड में सूप पी के मजा आता है, इसलिए मैंने फटाफट सूप बना लिया। तो सूप रेडी इन जस्ट 10 मिनट्स, और मैंने ब्रेड भी देखो टोस्ट करी है, ये टोस्ट मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम पीते हैं सूप, आप वीडियो को एंजॉय करो, लाइक करो, और अब तो चैनल का नाम भी चेंज हो गया है, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दिया करो वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।